नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर। ज्यादातर मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के कट ऑफ को लेकर वीडियो लेकर आओ। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा जब तक मेरे पास कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं होती तब तक मैं दोस्तों कोई वीडियो नहीं लेकर आता हूं। तो आपके कहने से दोस्तों मैंने मेरे दोनों चैनलों पर पोल करवाया था, ठीक है, कट ऑफ को लेकर, हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के कट ऑफ को लेकर मैंने पोल करवाया था। उसमें मैंने पूछा था बच्चों का स्कोर क्या है, बच्चों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो जिन्होंने मेरे पास कमेंट किया था, जिन्होंने मेरे पास वोटिंग की थी, उनका मैं आज आपके सामने लाइव बताने वाला हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर दोस्तों जिन्होंने 60+% सही किए हैं। मतलब कि मैं आपको बताने वाला हूं ज्यादातर का स्कोर क्या है, कैसे बताऊंगा, प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी दोस्तों आपको सबको पता होगा फिजिकल डेट, आखिर फिजिकल कब तो होगा, फिजिकल डेट के बारे में पता चल गया। और सबसे बड़ा मुद्दा आता है रिजल्ट, इसका आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दोस्तों सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं, खास बात करने वाला हूं फाइनल कट ऑफ को लेकर, फाइनल कट ऑफ और फिजिकल कट ऑफ दोनों मुद्दों पर मैं बात करूंगा। तो पहले मैं आपको बताता हूं मेल एसआई, हरियाणा पुलिस मेल एसआई के बारे में बताता हूं। उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। मेल एसआई की मैं बात कर लूं टोटल पोस्ट कितनी थी, इसके अंदर 400 के आसपास पोस्ट थी। किसमें, मेल एसआई में कितनी पोस्ट थी, 400 पोस्ट थी। और फॉरम की मैं बात कर लूं दोस्तों, मतलब कि एग्जाम देने कितने बच्चे बैठे थे, लगभग 1,08,000। कितने बच्चे बैठे थे, 1,08,000 बच्चे एग्जाम देने बैठे थे। तो आपको डरना नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे हैं 1,00,000 को देखकर डर रहे हैं कि पोस्ट तो 400 है और 1,00,000 एग्जाम देने बैठे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आगे मैं आपको बता दूं जो मैंने पोल करवाया था मेरे दोनों चैनलों पर, मैंने उनसे पूछा था कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो ज्यादातर का जो क्वेश्चन सही निकल के आए हैं वो क्वेश्चन निकल के आए हैं 54 से लेकर 62। ज्यादातर ने जो मेरे पास कमेंट किया था उन्होंने बताया था कि मेरे 52 क्वेश्चन सही है, कोई बता रहा है मेरे 56 क्वेश्चन सही है, कोई बता रहा है मेरे 58 क्वेश्चन सही है। तो ज्यादातर का जो स्कोर आ रहा था वो आ रहा था 54 से लेकर 62% सही है। कितना आ रहा था, 54 से लेकर 62% सही है। ये तो रहा दोस्तों क्या जो मैंने पोल करवाया था उसके आंकड़े। अब मैं लेके चलता हूं सीधा कट ऑफ के ऊपर कि आखिर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। और ज्यादातर का यही डाउट आ रहा है कि हमको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं। तो मैंने यहां पर लिख दिया दोस्तों हरियाणा पुलिस एसआई मेल की कट ऑफ बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, मेल की कट ऑफ बता रहा हूं, फीमेल की कट ऑफ भी बताऊंगा, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। तो मेल की मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं, जनरल कैटेगरी में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना, मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, यदि उतने प्रश्न आपके सही है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। जो भी मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ये फिजिकल की बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होगा पहले फिजिकल होगा उसके बाद में फाइनल कट ऑफ आएगी। तो हमको बात करनी है किसकी, फिजिकल की कट ऑफ, कि किस किस को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो पहले मैं उठा लेता हूं जनरल कैटेगरी की, कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल कैटेगरी में जिस किसी के भी, जनरल कैटेगरी में जिस किसी के भी 66 से लेकर 67 या 68% सही है, ध्यान से सुन लेना, जनरल कैटेगरी में जिस किसी के भी 66 से लेकर 68% सही है उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ प्रश्न की, नंबरों की बात नहीं कर रहा, मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ। यदि इतने प्रश्न आपके सही है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, आपको 100 में से 100% फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब बहुत मेरे पास कमेंट भी करेंगे कि इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी, दोस्तों बिल्कुल इतनी कम कट ऑफ भी जाने वाली है। जो भी ये बोल रहे हैं ना कि मेरे 70 सही है, मेरे 75 सही है, ये सब दोस्तों एग्जाम से जब बाहर निकले ना तभी बोल रहे थे, जब घर पहुंचे ना तो जो 70 बोल रहा था ना वो 55 पे आ गया, तो ज्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। तो मैंने आपको बता दिया जनरल कैटेगरी में जिस किसी के भी इतने नंबर है ना उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ये मैं आपको नंबर नहीं बता रहा, मैं प्रश्न बता रहा हूं, ये ध्यान से सुन लेना। ईडब्ल्यूएस की मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस में जिस किसी के भी 64 से लेकर कितने दोस्तों, 64 से लेकर और कितने 66% सही है, 64 से लेकर 66% सही है उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। आगे मैं बात कर लूं बीसीए की, बीसीए की भी दोस्तों लगभग इतनी रहने वाली है, जनरल से थोड़ी सी कम रहती है, जनरल के आसपास ही रहती है। तो बीसीए की 64 से लेकर 66% सही है तो उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए बीसीए में। बीसीबी की
मैं आपको बता देता हूँ, बीसीबी की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा रहती है, तो 65 मान लो, 65 से लेकर 67 जिनके प्रश्न सही है बीसीबी में, उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, जोर शोर से फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, पक्का फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। आगे बात कर लेता हूँ एससी की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो एससी में जिस किसी के भी 61 से लेकर 63 क्वेश्चन सही है, 61 से लेकर 63 प्रश्न सही है, उसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन की बहुत कम कट ऑफ जाती है, तो एक्स सर्विसमैन में जिस किसी के भी 52 से लेकर 54 प्रश्न भी सही है, उनको भी अच्छी खासी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती। तो ये तो मैंने आपके बता दिया एसआई मेल की कट ऑफ, लगभग कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है, मैं नहीं बोल रहा, मैं दोस्तों ऑथेंटिक बातों पे विश्वास करता हूँ, जो कट ऑफ निकलेगी दोस्तों वो यहीं से निकलेगी, जो मैंने बच्चों से पूछ लिया, पहले ही मैंने पोलिंग करवा ली मेरे दोनों चैनलों पर, बच्चों से मैंने पूछ लिया कि आपके कितने प्रश्न सही है, तो ज्यादातर के सही निकल के आए 54 से लेकर 62 प्रश्न। तो मैंने आपको जो नंबर बताए हैं ना, ठीक है, हरियाणा पुलिस एसआई मेल, यानी मैं बता रहा हूं पुरुषों में जिन किसी के भी इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर नहीं दोस्तों, इतने क्वेश्चन सही है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, यदि इतने प्रश्न आपके सही हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और इनसे जिन किसी के भी 3 नंबर ज्यादा है उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, 3 से 4 नंबर भी ज्यादा है ना उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, और आपको सबको पता होगा यहाँ पर नंबर भी मिलते हैं, एक्स्ट्रा आपको नंबर भी मिलेंगे, 5+2 मतलब कि लगभग 7 के आसपास आपको नंबर भी मिलने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया, इनके अलावा भी आपके 5-6 नंबर और ऊपर हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, आपके इतने प्रश्न सही है तो आपका फाइनली सिलेक्शन होने के चांस है, आपको फिजिकल के लिए तो 100 में से 100% बुलाया जाएगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ रिजल्ट का, दोस्तों आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है, रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको सबको पता होगा अक्टूबर के महीने में क्या ले रहे हैं, फिजिकल ले रहे हैं, ये भी बात बहुत बड़ी बात है कि आपके अक्टूबर के महीने में फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कि रिजल्ट जल्दी आने वाला है। तो मैंने आपके सभी मुद्दों को क्लियर कर दिया। अब ज्यादातर फीमेल मेरे पास कमेंट करेंगी कि हरियाणा पुलिस फीमेल एसआई की कट ऑफ बताओ, तो फीमेल थोड़ा सा इंतजार करो, फीमेल की भी मैं वोटिंग करवाने वाला हूं, मेरे दोनों चैनलों पर वोटिंग कराऊंगा, उसके बाद मैं फीमेल की भी कट ऑफ लेकर आने वाला हूं कि फीमेल की कट ऑफ क्या जा सकती है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, ये मैंने मेल के बता दी, अगली वीडियो फीमेल की भी आने वाली है, तो जल्दी वीडियो आएगी। तो सभी मुद्दों पर मैंने बात कर ली, अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है बेझिझक कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।